हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज़। दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लर्निंग के फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड ईयर के एनुअल मोड के ऐसे छात्र जिनका जो है असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन के माध्यम से जो है अभी असाइनमेंट चल रहा है, लेकिन बहुत सारे छात्र जो है अभी तक अपना असाइनमेंट जो है जो डेटशीट रिलीज किया गया है उसके मुताबिक जो है उन्होंने जो है अपलोड नहीं कर पाए, तो ऐसे में जो है उनको क्या करना है आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके उनका बटन दबा लीजिएगा ताकि DUSOL से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे चैनल पे आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, चाहे वो फोर्थ सेमेस्टर के छात्र हो या फिर जो है सेकंड ईयर के एनुअल मोड के छात्र हो, जो डेट शीट रिलीज किया गया था उसके मुताबिक जो है वो अपना असाइनमेंट जो है नहीं अपलोड कर पाए, तो ऐसे में जो है क्या होगा आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, SOL की तरफ से जो है एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है जो कि अभी SOL की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि SOL.DU.AC.IN है इस पे नहीं आया है, लेकिन आप जब SOL के ऑफिस विजिट करेंगे चाहे वो नॉर्थ कैंपस हो या फिर साउथ कैंपस में, तो वहाँ पे जो है आपको चिपका हुआ दिख जाएगा जिसमें जो है साफ साफ यही कहा गया कि ऐसे छात्र जो अपना असाइनमेंट जो है अपलोड नहीं कर पाए थे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 तारीख को यहाँ पे जो है इकोनॉमिक्स का या फिर जो है हिंदी का जो है असाइनमेंट अपलोड करने का जो है दिन था, लेकिन 15 तारीख को रात के 12 बजे तक अगर आपने जो है अपना असाइनमेंट नहीं अपलोड कर पाए तो ऐसे में जो है आपको दोबारा से जो है मौका मिलेगा। ये जो है एक नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया है SOL की तरफ से जो है अपने कैंपस में लगाया गया है, उसके मुताबिक मैं यही कह रहा हूँ कि उन्हें से जो है उन छात्रों को दोबारा से मौका मिलेगा कि वो अपना असाइनमेंट जो है अपलोड कर पाए। बाकी जो भी असाइनमेंट आप अभी अपलोड कर पा रहे हैं या फिर जो है आपने जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पा लिया है आप, और उसी हिसाब से जो है अगर आप जमा कर रहे हैं अपना असाइनमेंट तो वो ठीक है। बाकी जो है जिनका अभी तक अपलोड नहीं कर पाए हैं उन्हें जो है दोबारा से ऑप्शन मिलेगा आपको अपलोड करने का, और फिर जो है आप ऑप्शन से अपलोड कर सकते हो। इसके लिए जो है SOL की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि SOL.DU.AC.IN है इस पे जाना होगा, और इस पे जाके नीचे में आपको दिख रहा होगा असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन लॉगिन फॉर द आंसर शीट अपलोड, तो इसी पे आके जो है आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा जिसमें SOL रोल नंबर और बारकोड पूछा जाएगा जो कि आपके फीस स्लिप और आई कार्ड पे होगा। फिर जो है ये कैप्चर आपको फिलअप करना है और लॉगिन कर देना है, और जब पोर्टल खुलेगा तो उसी पे जो है आपको वहाँ पे जो है जो सब्जेक्ट है उसी के सब्जेक्ट के हिसाब से जो है आपको अपलोड करना होगा। तो उम्मीद है कि आपको जो है पता चल गया होगा। बाकी और भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से और वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलता रहे। बाकी शुक्रिया, धन्यवाद।